हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। और फ्रेंड्स, जो वीडियो है आज का, ये बहुत ही खूबसूरत अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन का है। और यहाँ पर हम साथ साथ में बात करेंगे कि जो मेहंदी डिज़ाइंस होते हैं वो हम भूल जाते हैं। जब हम मेहंदी लगाने बैठते हैं हम भूल जाते हैं, हमें कुछ नहीं याद रहता, आगे हम कैसे कंटिन्यू करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके साथ मोस्टली ये प्रॉब्लम होती होगी। सो फ्रेंड्स, कहीं मजा आएगा, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आज को डिफरेंट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं मेहंदी डिज़ाइन बना रही हूँ उसके बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने पेस्टली टाइप के ये एलिमेंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, और इनको आप कैरी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये वही एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको फिलिंग देने की अगर हम बताएं इसकी, इसमें फिलिंग कौन सा अच्छा रहता है, तो जो डिज़ाइन यहाँ पे मैंने फिल किया ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साथ साथ में आप कोई भी फिलिंग डिज़ाइन इसके साथ में आप दे सकते हो। सो गाइस, मेन चीज़ है, मैं आपसे फिर वही एक बात कहना चाहूँगी, मेन चीज़ है कि आपकी कोन परफेक्ट होनी ही चाहिए। अगर आपकी कोन परफेक्ट नहीं चलेगी तो फिर आप कोई भी डिज़ाइन है कितनी मेहनत कर ले वो अच्छा नहीं बनेगा। और गैस, अब हम बात करते हैं कि जो मेहंदी डिज़ाइन हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती होंगी। कई बार आपके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि हम डिज़ाइन बनाते बनाते आगे भूल जाते हैं कि हम आगे इसको कैसे कंटिन्यू करें। सो गैस, कंटिन्यू करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छे कई सारे टिप्स ट्रिक्स हैं जो आप आजमा सकते हो। उसके लिए आपको पहले करना क्या होगा कि जो भी हमारा मेहंदी डिज़ाइन है उसको हम फिलिंग ना देते हुए सबसे पहले उसको जो मेन उसका एलिमेंट्स होते हैं वो आप ड्रॉ कर लें। मतलब कहने का मीन्स ये है कि आप जब भी बनाने बैठे मेहंदी डिज़ाइन, तो आपको करना क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले आप उसको ड्रॉ कर लें, और उसके बाद ही आप उसके अंदर फीलिंग्स दें। तो ऐसे आपका जो डिज़ाइन होता है वो आप भूलेंगे नहीं कि हमको क्या बनाना है, कैसे कंटिन्यू करना है। उसके साथ में आप फ्लावर्स भी साथ में ले सकते हो, या फिर ये पेस्टली डिज़ाइन भी आप ले सकते हो। और फ्रेंड्स, कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे इस सिचुएशन में कि आप कैसे मतलब आगे डिज़ाइन को बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक वीडियो मैंने आपको बताया है कि आप टेप का यूज़ कर सकते हो, जो सेलो टेप होता है, या फिर कोई और टेप भी आप यूज़ कर सकते हो उसको हैंड पे लगा के, और उसके बाद में जो स्पेस बचे उसके बाद में उसको आप फिलिंग्स देते हुए कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस, अगर बिगनर्स हैं उनके साथ ही मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस समय हमको एलिमेंट्स का ज़्यादा पता नहीं होता है कि इस तरह से हमको कहाँ से ड्रॉ करना है, कहाँ से क्या निकालना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, अब मैं इसको परफेक्ट बना सकती हूँ, इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ डिज़ाइन को। सो फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ ही मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आती मेरे साथ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मेहंदी लगा रही हूँ और ये सब चीज़ें नहीं होती। बट बिगनर्स को बहुत ये प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ भी पहले बहुत होता था कि मैं आगे डिज़ाइन कंटिन्यू करना भूल जाती थी कि मैं आगे क्या बनाऊँ, किस तरह से मतलब इसको सीरियल वाइज मतलब किस तरह से इसको कंटिन्यू करें। सो गाइस, ये प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर अपने डिज़ाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, रफली ड्रॉ कर लीजिए पूरे हैंड पे, देन उसके बाद आप फिलिंग दीजिए, और जहाँ भी आपको स्पेस खाली लगे वहाँ पर आप फिलिंग दे सकते हो। जैसा स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एलिमेंट्स चूज कर सकते हो, उसको डाल सकते हो। सो गाइस, ये डिटेल में अगर आपको देखना है तो कई सारे वीडियोस अपलोड करे हुए हैं मैंने अपने चैनल पे, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको वो वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस डिज़ाइन की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, और मैंने यहाँ पर कैरी डिज़ाइन का यूज़ किया है कई बार, और बीच बीच में मैंने शेडिंग का भी यूज़ किया है, फ्लावर्स हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और लिप्स को भी मैंने ज्वाइंट किया है साथ में। तो इस तरह से मैंने ये बेल को पूरा मतलब कंप्लीट किया हुआ है, और फाइनल लुक जरूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत आया है। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए, मेरे वीडियो को पहली बार देख लें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, जब भी आपको ये लगे कि मुझे मतलब मेरा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे नहीं बनाना है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप छोटे से ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कई सारे वीडियोस ऐसे आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे कि आपको मेहंदी लगाने की शुरुआत कैसे करें, इस टाइप के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे से वीडियोस हैं, आप छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बहुत ही ईजी ट्रिक्स हैं, आप उनको यूज़ करके अपने हाथ में मेहंदी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम पहली बार में बहुत खूबसूरत, बहुत
अच्छी मेहंदी लगाएं। फ्रेंड्स, ये किसी के साथ भी नहीं होता कि पहली बार में कोई भी इतनी अच्छी मेहंदी लगा ले। जब आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाई डे, आपको खुद ही आपको खुद ही लगेगा कि अब मैं पहले से काफ़ी बेटर मेहंदी लगाने लगी हूँ, तो आपको खुद ही रियलाइज खुद होगा आपको। सो गाइज, ये डिज़ाइन मेरा कैसा बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इससे पहले एक मैंने वीडियो डाला था कुशन कवर कैसे हम बनाएं, उसको कैसे डेकोरेट करें। सो गाइज, आप लोगों को अच्छा लगा है तो अगर आपने वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सो गाइज, इस डिज़ाइन को मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया है और आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे थम्सअप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।